हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर, गढ़वाली यूट्यूबर SM बहुगुना। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये है हमारे प्यारे सुंदर उत्तराखंड के ऊपर। तो मनीष गए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने छोटी छोटी क्लिप्स बना के लाए थे। वो लाए तो बहुत सारी जगह की थी, पर मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ गढ़वाल की वीडियोज़ डाली हैं, क्योंकि मैंने सोचा पहले आपको ये दिखाऊं, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं और भी बनाऊंगी। तो इसमें जो है, इसमें गढ़वाल की जो सुंदरता होती है, गढ़वाल के रास्ते कैसे होते हैं, और जो हमारी देवी हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके बारे में भी बहुत कथाएं सुनने को मिलती हैं, क्योंकि और वहाँ जाके बहुत शांति मिलती है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए फिर गाइज, आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा गढ़वाल का रास्ता, जो कि मनीष और घूमने गए थे। वो बहुत सारी जगह घूमे थे, पर मैंने अभी मेन मेन क्लिप्स गढ़वाल की ही डाली हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का रास्ता कैसा है, और वेदर तो पूछिए ही मत। वेदर तो गढ़वाल का हर समय ऐसा रहता है, ठंडा ठंडा सा। तो यहाँ पे आपको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो जो यहाँ पे असली में घूमने जाते होंगे, जैसे मनीष गए हुए थे, तो उनको कितना प्यारा लग रहा होगा। ये देखिए, मतलब इतना सुंदर है, हर जगह पेड़ पौधे हरियाली, तो बहुत मज़ा आता है घूमने में। और यहाँ पर भी देखिए, मतलब लोग पैसा वसूल जगह पे, मतलब पैसे दे के इतनी शांति वाली जगहों पर जाते हैं, पर यहाँ पर उत्तराखंड में आप फ्री में घूमिए, अपने बच्चों को लेके जाइए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सुकून मिलता है। एक जो कि काम से भरी हुई ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें एक सुकून के दो चार दिन चाहिए होते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, मतलब हर तरीके का यहाँ पे हमें वेदर देखने को मिल जाएगा। बारिश भी हमें देखने को मिलेगी, ठंड भी देखने को मिलेगी, गर्मी इतनी नहीं होती है, पर जब बहुत ज़्यादा जून में तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। और ये देखिए यहाँ पे है दो नदी, जो कि टीरी और पौड़ी से आ रही है, अलकनंदा और भागीरथी। तो जो ग्रीन वाली आ रही हैं वो है टीरी की साइड से आ रही हैं, और जो वहाँ से दूसरी वाली आ रही हैं वो पौड़ी की साइड से आ रही हैं। तो ये संगम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में। वीडियो में आपको भले ही इतना ना लग रहा हो, पर जब हम इसको लाइव देखते हैं ना, तो मतलब। और ये देखिए, ये है हमारी माँ, जो कि है श्रीनगर में। जो भी मेरे वाइटी फैमिली पर गढ़वाली भाई बहन बने अच्छा हो, तो पता ही होलू कि जो श्रीनगर में थारी माँ छे, तो की कतरी मान्यता छे। पर जो भी मेरे दूसरे भाई बहन हैं, आप जिंदगी में एक बार तो ज़रूर धारी माँ के दर्शन करने के लिए जाना, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तब तो हर कोई जाता है, पर एक बार बिना ज़रूरत के जाके देखना कितना अच्छा लगता है। और जो वहाँ की सुंदरता है, जो भी वहाँ की धारी माँ के बारे में जो भी मान्यता है, वो सब आपको वहीं पर पता चल जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पर जाके। तो मनीष और यहाँ पर भी आए थे, तो मैंने उनको बोला था धारी माँ का ज़रूर रिकॉर्ड करके लाना, क्योंकि होता है ना धारी माँ के, मतलब नाम सुनते ही बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये आ गए थे वापसी की तरफ। तो गढ़वाल में आप जितने दिन बिता ले उतने कम लगते हैं, इतना मज़ा आता है वहाँ पर घूमने में। मतलब इंसान सोचता है कि कहाँ ऐसी शांति मिले, मतलब आजकल इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी हो चुकी है, हमारे पास शांति के दो पल भी नहीं है। तो अगर आपको शांति चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको बहुत अच्छा लगेगा। उत्तराखंड में ऐसा नहीं कि गढ़वाल ही बहुत सुंदर है, सभी जगह बहुत सुंदर सुंदर है, पर ये जो वीडियोस हैं ये गढ़वाल की हैं, और मैं तो पूरी उम्मीद है कि तुम ज़रूर ज़रूर पसंद कर ला मेरी वीडियो तय। तो यहाँ की हरियाली, यहाँ के लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोग जाएंगे, आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि जब यहाँ के लोग के घर कोई आता है तो कितने अच्छे से वेलकम करते हैं। और तो मेरा ये कहना है आपसे, जिसको भी अगर गांव घूमने जाना हो तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आएगा। इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और जिन लाइक नहीं देनी ना, मैं वे पर कंडालू जरूर चुबोलूँगा। ओके, बाय बाय।